और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव चल गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है। फिलहाल डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव चल चुके हैं। बीजेपी का कोई भी पार्षद निगम कार्यालय नहीं पहुंचा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें चंडीगढ़ से, और सुबह 11 बजे से चुनाव होने थे लेकिन बीजेपी का कोई भी पार्षद चुनाव स्थल पर नहीं पहुंचा। तो बड़ी खबर ये चंडीगढ़ से, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव चल गए हैं। अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है। इस बीच बीजेपी के पार्षद निगम कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, और ये देखिए तस्वीरें किस प्रकार से दिखाई दे रही है। बीजेपी का कोई भी पार्षद निगम कार्यालय नहीं पहुंचा है। सुबह 11 बजे से ये चुनाव होने थे लेकिन कोई भी बीजेपी पार्षद नहीं पहुंचा। बड़ी खबर ये चंडीगढ़ से, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव चल गए हैं। बीमार होया, पूरी बीजेपी बीमार हो गई है। ऑपरेशन लोटस चंडीगढ़ जो फेल हो गया, हुण उन्हां नूं लग रहा है कि बड़े बड़े धुरंधर इन्हां दे जिहड़े अपने आप नूं कहिंदे सी कि वी असीं इदां कर देंगे उदां कर देंगे, कुछ नहीं होया। बीजेपी दी हार हो गई, अज बीजेपी दी हार हो गई। रुक क्या रहेगा, रुक क्या रहेगा, रुक दम को खड़े, हम तो इलेक्शन डालने को तैयार है, कहते हो तो सड़क पर वोट डाल देते हैं। पास के बावजूद जिन्हें ये लगता था कि भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, वो आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर भाजपा के हालात देखें। आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ भाजपा बुरी तरह हार रही थी, और हार के डर से ये दो बार ही अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदल चुके हैं और चुनाव रद्द कराने तक की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये देश इस तानाशाही के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है, और जल्द ही भाजपा की तानाशाही से ये देश आजाद होगा। और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव चल गए हैं। अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है, और इसी बीच आप और कांग्रेस ने इसे षड्यंत्र बताया है। बीजेपी का कोई भी पार्षद निगम कार्यालय नहीं पहुंचा, और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुबह 11 बजे से ये चुनाव होने थे लेकिन अचानक ये चुनाव चले हैं, इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। और चंडीगढ़ से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है एमके न्यूज चैनल पर, लेकिन यही जानना चाहूंगा कि अचानक ये मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव क्यों चले? जी मनीष, बिल्कुल, ये जो 18 तारीख का दिन तय किया गया था, ये मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव के लिए तय किया गया था, लेकिन अचानक से इसे स्थगित कर दिया गया। जो भाजपा का कहना है कि जो अधिकारी है वो आज बीमार है, पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, और चुनावों को स्थगित करने के लिए भाजपा पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तो फिलहाल चुनाव चल गए हैं, लेकिन अब अगले कौन सी तारीख को, ऐसा कोई दिन रखा गया है जिस तारीख को ये चुनाव होंगे? क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी आया है सामने? नहीं मनीष, अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि तारीख क्या तय की जाएगी। आज पवन कुमार बंसल जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे बात भी हुई थी हमारी। उनका ये कहना था कि हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे। हो सकता है कि हाई कोर्ट जाने के बाद आज शाम को क्या हाई कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन होता है, उसके बाद ही तारीख तय की जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए रविंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर अचानक इलेक्शन चल चुके हैं, मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन टल चुके हैं। सुबह 11 बजे से ये चुनाव होने थे, तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव चल गए हैं फिलहाल। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है। बीजेपी के पार्षद निगम कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।